नमस्कार, मैं हूँ सिराज और आज के इतिहास में आपका स्वागत है। और आज दिनांक 21 मई, और आज हम जानेंगे आज के दिन जिन शख्सियत का जन्म हुआ, जिनका निधन हुआ, महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण और सारे उत्सवों के बारे में। तो आइए जानते हैं। आज के दिन 21 मई 1981 में पियरे मोरो फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। आज के दिन 1994 में दक्षिणी यमन द्वारा उत्तरी यमन से अलग होने की घोषणा की गई थी। आज के दिन 1996 में प्रसिद्ध शीतल पेय कंपनी पेप्सी ने विश्व में पहली बार अंतरिक्ष में विज्ञापन फिल्म बनाने की घोषणा की थी 1996 में। आज के दिन 1998 में 32 वर्षों तक लगातार इंडोनेशिया पर शासन करने वाले राष्ट्रपति सुहार्तो का त्याग पत्र हुआ था। आज के दिन 2002 में बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति H.M. इरशाद को 6 महीने कारावास की सजा सुनाई गई थी। आज के दिन 2003 में विश्व के 190 से भी अधिक देशों ने तंबाकू के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संधि को जिनेवा में मंजूरी दी थी। आज के दिन 2008 में भारतीय स्टेट बैंक ने कृषि कर्ज पर रोक लगाने संबंधी अपने सर्कुलर को तत्काल प्रभाव से वापस लिया था। आज के दिन 2008 में रिजर्व बैंक में ने सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के HDFC बैंक में विलय प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। आज के दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की योजना के तहत 15 देशों की वायुसेनाओं के 90 अधिकारियों का एक साझा टेबल अभ्यास हैदराबाद में प्रारंभ हुआ था। आज के दिन 2008 में नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी विलिस ई लेंक का निधन हुआ था। आज के दिन 2008 में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद के पुत्र दातुक मोखर्जानी महातिर ने सत्तारूढ़ दल UMNO से इस्तीफा दिया था। आज के दिन 2010 में उड़ीसा तट पर बंगाल की खाड़ी में भारतीय सेना के जंगी जहाज रणवीर था और इसने नौसेना ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के ऊर्ध्वाधार प्रक्षेपण संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आज के दिन दार्जिलिंग में अखिल भारतीय गोरखा लीग के अध्यक्ष मदन तमांग की हत्या कर दी गई थी 2010 में। और आइए जानते हैं जिनका आज के दिन जन्म हुआ। आज के दिन शरद जोशी भारत के प्रसिद्ध व्यंग्य रचनाकार 1931 में जन्मे थे। मेलकम फ्रेजर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री 1930 में जन्मे थे आज के दिन। और आइए जानते हैं आज के दिन जिनका निधन हुआ। आज के दिन 1960 में गामा पहलवान, शायद ही ऐसा कोई भारतीय खेल प्रेमी हो जिसने रुस्तम जमा पहलवान का नाम नहीं सुना हो, इनका निधन हुआ था। आज के दिन 1991 में राजीव गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र और भारत की कांग्रेस पार्टी के अग्रणी महासचिव 1981 थे। और माँ की हत्या के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने थे 21 मई को आज के दिन। और आज के दिन आतंकवाद विरोध बलिदान दिवस रानी श्रीमान राजीव गांधी जो थे उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोध और बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, केवीएस किड्स जोन के साथ में बने रहने के लिए। कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे अगले दिन यानी 22 मई का इतिहास लेकर के। तब तक खुश रहिए, अपडेट रहिए और श्रेष्ठ राज को दीजिए इजाज़त। कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक थैंक यू सो मच।